राहुल गांधी की सवारी निकल गई है। एक दिन में 22 से 23 किलोमीटर होगी यात्रा, 150 दिन में 3,570 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लॉन्च हो गई। राहुल गांधी ने श्री परम्बदूर में राजीव गांधी मेमोरियल में सिर झुकाकर हुंकार भरा कि मेरे पिता नफरत वाली सियासत के शिकार हुए, मैं अपने देश को नहीं होने दूंगा। राहुल जब कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ निकलने वाले थे तब उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर हमले की शुरुआत पूर्वोत्तर से हुई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने उन्हें यात्रा की शुरुआत पाकिस्तान से करने की नसीहत दी, क्यों कहा उन्होंने ऐसा सुनिए। भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में, अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना चाहिए। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा, भारत तो जुड़ा हुआ है, खंडित क्या हुआ, पाकिस्तानी खंडित हुआ। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। हेमंत बिस्व शर्मा आजकल जहर उगलने का काम कर रहे हैं। नए नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में गए हैं, तो नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। ये संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है। बीजेपी ने सबसे बड़ा आरोप लगाया कि जिस कांग्रेस ने देश को धर्म जाति के नाम पर बांटा वो अब भारत जोड़ो यात्रा पर निकली है। ध्रुवीकरण इतना बड़ा हो चुका है देश के अंदर कि जातियों में, वर्ग में, धर्म के नाम पर नफरत पैदा हो गई है। ये देश अगर इसको नहीं संभाला गया तो ये गृह युद्ध की तरफ जा सकता है। देखिए एक बात आपको समझना होगा, जिस पार्टी और परिवार की तोड़ने की विरासत रही हो वो जोड़ने की सियासत करे तो मजाक लगता है। जो कश्मीर की हमेशा जो है वो इस देश की पहचान रही है, सिरमौर रहा है, वहां पे आपने अलगाव और आतंकवाद का बीज बो दिया। नॉर्थ ईस्ट में आपने क्या किया, किस तरह से भागलपुर में कत्लेआम हुआ, भिवंडी में क्या हुआ, सन 84 में किस तरह से नरसंहार हुए सिख भाई बहनों के, ये किसी कोई भूल सकता है क्या? इसलिए मुझे लगता है कि वो तो इनकी जो है वो जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि प्रायश्चित यात्रा होनी चाहिए। दो दशक तक राजनीति में रहने वाले राहुल गांधी अभी तक कोई कमाल नहीं दिखा पाए।